सबसे पहले दाल पूरी का हम दाल उबालेंगे। तो ये दाल जो है चने की है, इसे हमने 4 घंटा पहले भिंगा लिया है। अब हम इसे कुकर में उबालने के लिए ले चल रहे हैं। दाल उबालने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और हम इसमें दाल को डाल देंगे। तो ध्यान रहे, जब हम दाल भिंगा लेते हैं उसके बाद 2 बार धो लेते हैं, इसलिए इसका स्टार्च जो है वो निकल जाता है और अच्छे से ये बॉयल होता है। दाल में हम इतना ही पानी डालेंगे जितना कि दाल डूब जाए, हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। तो आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं, जितना अपना दाल डूबा है उतना ही हमने पानी इसमें डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम नमक डाल के ही दाल को बॉयल करेंगे, क्योंकि हम नमकीन पूरी बनाते हैं तो दाल में ही नमक डाल दिया जाता है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने हल्दी नमक मिक्स कर लिया है। अब हम लीड लगा के इसे अच्छे से बॉयल करेंगे, यानी कि 4 से 5 सीटी हम मरवाएंगे तो अच्छे से अपनी दाल बॉयल हो जाएगी। तब तक हम फटाफट अपना एक सेमी सॉफ्ट आटा तैयार कर लेते हैं, जैसे कि हम पूरी पराठे का तैयार करते हैं। तो हमने 1 पाव दाल को स्टफिंग करने के लिए 700 ग्राम आटा ले रखा है। इसे हम गूंथ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ से मसलते हुए एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार किया है। वही आटा है जैसा कि हम पूरी पराठा के लिए तैयार करते हैं, रोटी के लिए। तो आटा अपना तैयार हो गया, हम इसे ढक के फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक अपनी दाल पूरी का दाल सेक कर ले रहे हैं। अपने कुकर में 4 भीसी ला चुका है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और जब तक गैस निकलेगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इधर अपनी प्रेशर कुकर से प्रेशर निकल चुकी है, हम ढक्कन को खोल के दाल सेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने जितना पानी डाला था उतने में कितना बढ़िया अपनी दाल उबल चुकी है। बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं है और थोड़ा सा पानी है, उसे हम फ्राई करके सुखा लेंगे तो ये बढ़िया सा दाल पूड़ी में भरने के लिए डो तैयार होगा। तो चलिए हम दूसरे गैस की भी चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले रखा है, बड़ी साइज की कढ़ाई होनी चाहिए। उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं और उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को हम चटकने देंगे। अपना जीरा हल्का हल्का खुशबू आने लगा है, यानी कि जलने भी नहीं देना है और ज्यादा चटकने भी नहीं देना है। जस्ट इसमें से सोंधा सा एक खुशबू आए, उतना ही हमें तेल में जीरा फ्राई करना है। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होता है, अपनी पूरी जो है वो बहुत चटपटी होती है और मिर्च डालते ही हम फटाक से अपना दाल डालेंगे, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। हमने कुकर का दाल सब ले लिया। अब इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए भूनेंगे। इससे क्या होगा, हल्का सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा और अपनी दाल अच्छे से मैसी हो जाएगा। हम इसे आटे में जब भरेंगे तो बिल्कुल अपना आटा फूटेगा नहीं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल हलवा के जैसे अपना दाल मिक्स हो जा रहा है। तो हम चलाते हुए इसे 2 मिनट तक सुखा लेंगे पानी। हमने 2 मिनट तक दाल को गैस पे भून लिया है। आप देख सकते हैं, अपनी पानी जो था एक्स्ट्रा बिल्कुल सूख गया है और ठंडा होने के बाद ये काफी भुरभुरा हो जाएगा, जिससे हमको स्टफिंग करने में अच्छा रहेगा। तो चलिए हम फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, अपनी दाल की स्टफिंग एकदम ठंडी हो चुकी है। चलिए हम आटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत बढ़िया फूला है। तो चलिए हम इसे स्टफ करना दिखा देते हैं। पूरी बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे डस्टिंग करने के लिए, और हाथ को पहले हम डस्ट करेंगे फिर एक लोई तोड़ेंगे। तो आपको जितनी बड़ी पूरी बनानी है उतना बड़ा आटा में से डो ले लीजिए। लोई तैयार कीजिए, जैसे रोटी का लोई तैयार होता है वैसे ही हमें तैयार करना है। इस लोई को हम फिर से आटा में ऐसे डस्ट करेंगे और अंगुलियों की मदद से एक कटोरी का शेप देंगे। आप देख सकते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल को ऐसे डाल दिया फैलाते हुए। अब हमें क्या करना है, सारे आटे को ऐसे अंगुलियों की मदद से ज्वाइंट करना है। ध्यान रहे,
फूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हम फ्राई करेंगे तो तेल खराब हो जाएगा। तो आपको दिखा दे रही हूँ, सारे आटे को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा जो है उसे हम ऐसे घुमाते हुए और तोड़ के निकाल लेंगे और इस बॉल को फिर से एक बार राउंड कर लेंगे। तो ये अपनी पूरी का बॉल तैयार हो गया। हम लोहे को ऐसे रोटी बनाने वाले चौकी पे रख लेंगे और अंगुलियों की मदद से ही हम इसे कचौड़ी का शेप देंगे। इसके लिए हमें बेलन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं सेम प्रोसेस से अपनी ये पूरी बनानी होती है। तो अपनी पूरी तैयार हो गई। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तावा गर्म कर लिया है, तो हमें तावा ज्यादा हीट नहीं करना है क्योंकि जब हम दाल वाली पूरी बनाते हैं तो इसे पहले हम तावा पे हल्का सा सेंकते हैं, यानी कि इसे हम एक करवट सेंकना बोलते हैं। तो हम पूरी को इस पे रख दिए हैं और जस्ट आधा मिनट तक हमें सेंकना है, हमें बिल्कुल पकाना नहीं है। इससे क्या होता है, पूरी में बहुत ही बढ़िया क्रंच आती है, जो क्रिस्पनेस होता है वो बरकरार रहता है। तो आप देख सकते हैं हल्की सी इसमें चीटी जैसी आई है, एक साइड से हमने सेका है और जस्ट दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही सेकेंगे, ज्यादा हम उसे नहीं पकाएंगे। तो जब तक अपनी दूसरी साइड की सेक रही है तब तक हम दूसरी पूरी थपथपा लेते हैं। तो हम सेम प्रोसेस से लोई को भर लिए हैं और चकले पे रख लिए हैं। अंगुलियों की मदद से हम कचौड़ी का शेप देंगे। तो ये अपनी दाल वाली पूरी भर के तैयार हो गई है। चलिए हम तावा पे इसे भी सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड से भी चित्ती आ चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे और इसी तावा पे हम दूसरी पूरी भी सेक लेंगे। तो चलिए हम ऐसे ही सभी पूरियां सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पूरियों को तावा पे अधपका सेक लिया है, ज्यादा डार्क नहीं सेका है। जब तक हम पूरियां सेक के रखें तब तक गैस पे तेल भी गर्म कर लिए हैं। तो चलिए हम इसे फ्राई करना दिखा देते हैं आपको। तेल को हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है और हम एक एक पूरी इसमें धीरे से छोड़ेंगे। आप डायरेक्ट भर के भी दाल पूरी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो जो करारेदार पूरी हमें चाहिए दाल वाली वो नहीं मिल पाएगी। इसी की वजह है कि हम इसे तावा पे एक बार सेक लेते हैं और फिर तेल में फ्राई करते हैं। तो ये पूरी अपनी बहुत ही करारेदार तैयार होती है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी दाल वाली पूरी फूली है। तो हमें दोनों साइड से इसे अच्छे से सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। हमें उलट पलट के दोनों तरफ से इसे सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ये देखने में बहुत प्यारा लगता है, आप देख सकते हैं। तो अपनी पूरी में अच्छी सी कलर आ गई है और ये काफी क्रिस्पी दिख भी रहा है, आप ध्यान से देखिए। हमें ऐसी ही करारेदार दाल वाली पूरी चाहिए। तो सेम प्रोसेस हम तेल टेढ़ा करते हुए गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। चलिए हम सेम प्रोसेस से दूसरी पूरी भी फ्राई कर लेते हैं। तो धीरे से हमें तेल में छोड़ना है और उलट पलट के इसे भी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने सभी दाल पूरी तैयार कर ली है। तो चलिए हम दाल पूरी सर्व कर लेते हैं। दाल पूरी के साथ खीर का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट होता है। तो अब हम इसमें पूरी रख दे रहे हैं। फ्रेंड्स, कभी भी आप दाल पूरी बनाइए, उसके साथ खीर बनाइए, खाने में बहुत ही मजेदार लगता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी दाल पूरी खीर बनके तैयार हो गई है। इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।